function 14 is let S be the sum, P be the product, and R the sum of reciprocals of n terms in a chain. Prove that P square R n is equal to S E n. तो इसने बोला S be the sum. S n क्या होता है आप ये देखिए. S n is one A. 1 माइनस आर की एन बाय 1 माइनस आर ठीक है. पी बी द प्रोडक्ट पी इज ए आर स्क्वायर अप टू ए आर एन माइनस ए हमारा कहाँ तक गया ए बी एन तक. आर क्या है 1 2 3 अप टू एन. तो अब सम ऑफ नेचुरल नंबर लगाना क्या बनेगा is n minus 1 n by 2 ठीक है. क्या होता है n n plus 1 by 2 n is n minus 1 ओके. पुट कीजिए a की n r की n n minus 1 by 2. अब उसने बोला है r is the reciprocal r बनाइए r is the sum of reciprocal. तो ये चीज हो जाएगी 1 by में AR square up to 1 by में AR n minus 1. यहां से आपका A क्या है 1 by A, R क्या है 1 by R. तो sum क्या हो जाएगा R is A R की n sum of R is A R की n minus 1 by में R minus 1. सोल्व करेंगे यहाँ से 1 by A 1 minus R की N by में R की N into में R 1 minus R. इस पर क्या लिख सकते हैं 1 by में A 1 minus R की N minus 1 power minus 1 और 1 minus R ठीक है. अब इसने प्रूव करना क्या दिया है पी स्क्वायर मींस पी स्क्वायर इज ए एन आर एन एन माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर. यहां से आप क्या ले सकते हैं पी स्क्वायर इज ए की 2n आर की n n माइनस 1 इक्वेशन नंबर 4. ये इक्वेशन नंबर 3rd. अब आप देखिए इसने बोला आर एन आर की एन लेंगे तो आर हमारे पास क्या है 1 बाय ए 1 माइनस आर की एन माइनस 1 1 माइनस आर और इसके बोला उसने एन. तो आप इसकी पूरी पावर लीजिए एन. यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 1 बाय ए की एन 1 माइनस आर की एन माइनस 1 एन 1 माइनस आर की एन. यहाँ पावर मल्टीप्लाई होगी एन एन माइनस 1. यहाँ पावर लगी यहाँ भी पावर लगी यहाँ. इसने बोला पी स्केयर आर एन तो आप पी स्केयर आर एन बनाइए. पी स्केयर क्या हमारा ए की 2n आर की एन एन माइनस 1 और आर एन क्या हमारा ए की एन 1 माइनस आर की एन माइनस 1 एन 1 माइनस आर की एन. यहाँ से ये हमारा कट गया. ये दोनों डिवाइड में है एक पावर माइनस हो गई ठीक है. यहाँ से क्या हो गया हमारा क्या बना ये होल पावर लिख लेते हैं हम 1 माइनस आर की एन 1 माइनस आर की पावर n. ये क्या आ गया अपना s की पावर n. s क्या होता हमारा a 1 माइनस r के बराबर माइनस r उसकी हमने पावर लगाई ठीक है. क्या किया हमने सबसे पहले सम लिया. सम क्या होता है जीपी में फिर प्रोडक्ट प्रोडक्ट में a हमारा n तक गया r हमारा n माइनस 1 तक गया. सम ऑफ नेचुरल नंबर लगाया क्या होता है n इनटू n प्लस 1 बाय 2 बट हियर n इज n माइनस 1. सम ऑफ रेसिप्रोकल लगाया a 1 बाय a है
हायर है, सम ऑफ रेसिप्रोकल इज दिस। अब जो उसने कहा पी स्क्वायर, स्क्वायर करने से एक ही तो 2n बन गया, आर का जो टू था रेसिप्रोकल में कटा, आर की n तो पावर n लगा दी, सॉल्व करा दोनों को, जो कैंसिल हुआ कैंसिल किया, बाकी का नंबर रह गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 इज लेट पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ ट्रंप ऑफ एन एपीआर ए बी सी रिस्पेक्टिवली। शो दैट पीएथ ट्रंप क्या होता हमारा, ए प्लस पी माइनस वन बी इज ए, ए प्लस क्यू माइनस वन डी इज बी, ए प्लस आर माइनस वन डी इज सी। ये हमारे पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ ट्रंप ऑफ एन एपी इज ए बी सी। अब ए क्वेश्चन करी क्यों माइनस आर से मल्टीप्लाई, बोथ साइड से आप क्यों माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको बोथ साइड से आर माइनस पी से कर दीजिए, और इसको पी माइनस क्यू से। ठीक है, तो आपका राइट हैंड साइड में क्या आया, ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू इज इक्वल टू, यहां से ए कॉमन लेके ये लिखिए क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस ए के मल्टीपल है ये, ए इंटू ए ए इंटू ए ए इंटू ए, तो ए को हमने बाहर लिया, प्लस बी को बाहर लीजिए और इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, पी क्यू माइनस क्यू पी क्यू माइनस क्यू माइनस पी आर प्लस आर, पी क्यू माइनस क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस आर प्लस माइनस पी क्यू प्लस पी प्लस पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर प्लस क्यू। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए पी क्यू दूसरा पी क्यू आर आर क्यू आर क्यू आर क्यू क्यू पी आर पी पी सब कैंसिल हो गए, ऐसे ही यहाँ पे क्यू से यार सब कैंसिल हो गए, तो यहाँ से आपका आया इज इक्वल टू ए इंटू जीरो प्लस डी इंटू जीरो इज जीरो। हेंस प्रूफ क्या किया, पी एथ टर्म इज ए, क्यू एथ टर्म इज बी, आर एथ टर्म इज सी, फिर प्रूव करने की उस तरफ देखिए क्यू माइनस आर इंटू ए, तो जो हमारी ए की लाइन थी उसको हमने क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई की, फिर बी वाली लाइन को आर माइनस पी से, सी वाली को पी माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू प्लस इक्वेशन थ्री ऐड कर दिए। ठीक है, तीनों इक्वेशनों को ऐड करने पर हमारा आंसर जीरो आया। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11 क्वेश्चन 16। दिस आर इन एपी, प्रूव दैट ए बी सी आर इन एपी। आप इसमें ऐड कर दीजिए बहुत तीनों में वन, एडिंग वन क्या लिखेंगे आप, एडिंग वन क्या लिखा हमने, ए 1 by b plus 1 by c plus 1, b 1 by c plus 1 by a plus 1, c 1 by a plus 1 by b plus 1। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, a पूरे से कॉमन लिया, क्या है 1 by b 1 by c 1 by a, जो टर्म हम बाहर लेते हैं वो अंदर डिवाइड होती है, तो यहां से तो ये बाहर था ही, यहां से भी लिया हमने, ऐसे यहाँ b पूरे से बाहर लिया तो क्या बना हमारा 1 by b, और सिमिलरली c को जब हम कॉमन लेते हैं तो हमारा बनता है 1 by c। ठीक है, डिवाइड
वन बाय ए प्लस वन बाय बी प्लस वन बाय सी। तो क्या मिलेगा, वी गेट ए बी सी आर इन ए पी। बस क्या किया हमने, पहले तो तीनों टर्मों में वन प्लस किया, फिर यहां से ए कॉमन, यहां से बी, यहां से सी, तो इनर टर्म हमारे अंदर की सेम हो गई। सेम होने से उस टर्म से हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, ए बी सी, ए बी सी आर इन ए। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16।